सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में लीड रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं ओप्पो रियलमी 1 का हीट टेस्ट लेके आऊंगा, या मैं इसको बोलना पसंद करता हूँ ब्लास्ट टेस्ट, क्योंकि मैं इसमें फोन को पूरी एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट करता हूँ और तब आपके सामने रिजल्ट रखता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने कल वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फेस अनलॉक के बारे में बताया था कि आंख बंद में भी खुल जाता है, उस वीडियो का पॉइंट सिर्फ ये नहीं था कि सोते समय आपका फोन कोई खोल लेगा। अब वो ऐसा था कि मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, मैं परेशान था तो मेरी आंख बंद थी, ऐसे था, उसने सिर्फ फोन ऐसे रखा और ये फोन अनलॉक हो गया। देखो यार, मैं उन बंदों में से जो नहीं चाहता कि मेरा कोई फोन खोले, क्योंकि मेरा YouTube लॉगिन होता है, मेरा क्रिएटर स्टूडियो लॉगिन होता है और दुनिया भर की मेरी बैंक की एप्स है जो मैं नहीं चाहता कोई देखे। जो कल वाली वीडियो थी वो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के लिए नहीं थी यार। इमेजिन करो, आप 22 साल के हो, आपके फोन में बहुत सारी प्राइवेट चीजें ऐसी है जो आप नहीं चाहते कि कोई और देखे, और ऐसा हो जाए कि कोई इतनी दूर से भी आपकी आंखें बंद और फोन खुल जाए, तो ये बहुत ही बड़ा इशू है। मैं चीज भी समझता हूँ कि सोते समय आपका फोन कोई फिंगरप्रिंट से भी खोल देगा, बट यार मेरे हाथ सोते समय ऐसे होते हैं, ऐसे तो नहीं होते। अगर कोई ऐसे में भी फोन रखेगा तो मेरे को फील होगा, हो सकता है काफी सारे लोग बहुत गहरी नींद में सोते हो, वो एक अलग केस आ जाता है। एक वीडियो जो होती है पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं होती, पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए नहीं होती, वो बहुत मासेस के लिए होती है। तो होप अब आप लोगों को ये समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना हीट टेस्ट को बिना किसी देरी के। चीयर्स। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले ना यार रूम की सिचुएशन सुन लो। मेरे रूम का एसी चल रहा है 22 डिग्री सेल्सियस पे और फोन की ब्राइटनेस है 60-70% के बीच में। चाहे कोई भी फोन हो, वो सबसे ज्यादा हीट करता है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे या फिर गेमिंग के टाइम पे। वीडियो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के पहले मिनट में इसका टेम्परेचर था 29.5 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर को आप बिल्कुल ना के बराबर बोल सकते हो। एक और चीज बता देता हूँ कि मैंने फोन के साथ में एक और फोन रखा हुआ है जिसमें स्टॉपवॉच ऑन है, तो उस पर भी नजर रखना। 14 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद इस फोन का टेम्परेचर था 33.1 डिग्री सेल्सियस। अब 14 मिनट से पहले मैंने एक दो रीडिंग ली थी, बट उसमें इतना सारा टेंपरेचर में चेंज नहीं था, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। अब 26 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद इस फोन का टेंपरेचर था 33.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव बात है। इसका मतलब इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यार वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे इसका टेंपरेचर 29 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक ही गया, तो इसका मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रोसेसिंग तो सही सही संभाल लेता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेमिंग की, क्योंकि गेमिंग में असली चिपसेट यूज होता है और असली जीपीयू सीपीयू सब कुछ यूज होता है, तो इसमें देखते हैं कि क्या हालत होती है इस फोन की। अभी भी रूम की कंडीशन बिल्कुल सेम है, 22 डिग्री सेल्सियस पे हमारा एसी चल रहा है और फोन में सिर्फ वाईफाई ऑन है, हमारी ब्राइटनेस है 60%। अब गेमिंग स्टार्ट करने से पहले 13 सेकंड पे इसकी रीडिंग थी हमारी 32.3 डिग्री सेल्सियस। शायद 32 डिग्री सेल्सियस पे फोन इसलिए है क्योंकि अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, तो थोड़ी बहुत हीट रह गई होगी। अब 5 मिनट बाद इस फोन की रीडिंग थी 34.8 डिग्री सेल्सियस। वैसे अभी तक ठीक है क्योंकि 5 मिनट में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को गेम खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, बट हां मैं आपको ये बता सकता हूं कि गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की है। अभी तक तो मेरा गेम बहुत ही स्मूथ रन हो रहा है और मेरे को फ्रेम में भी कोई लॉस नहीं दिखा, और मेरे सबसे अच्छे खासे FPS हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहना चाहूंगा कि अभी तक तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही सही है। अब 8 मिनट इस गेम को खेलने के बाद इसका टेम्परेचर था 36.4 डिग्री सेल्सियस। अब फोन के बैक पैनल में ऊपर वाला एरिया होता है हमारा जीपीयू का और नीचे वाला होता है हमारा बैटरी का, और बैटरी का टेम्परेचर है इसका 33.4 डिग्री सेल्सियस। यार होता है ऐसे कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं ना, तो हमारा चिपसेट गर्म होता है ना कि हमारी बैटरी, तो इसलिए बैटरी का टेम्परेचर इतना कम है। अब गेम को 10 मिनट खेलने के बाद इसका टेम्परेचर था 37.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, बट ये है कि गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं है। अभी भी हमारा गेम बहुत ही स्मूथ रन कर रहा है, जितने कंट्रोल्स है वो अभी भी रिस्पॉन्सिव है, और ना ही मुझे अभी तक कुछ खास लैग देखने को मिला। तो ये कहना चाहूंगा कि अपना MediaTek का P60 बहुत ही कमाल का काम कर रहा है, बट ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस। बट ऐसा नहीं है कि फोन बहुत ज्यादा हीट लग रहा हो, बट ये है कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो चुका है। अब 14 मिनट की गेमिंग के बाद इस फोन का टेम्परेचर है 36.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस ही हो गया, और अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी पहुंच चुकी है 34.2 डिग्री सेल्सियस पे। गेम स्टार्ट होने के 8 मिनट पे बैटरी का टेम्परेचर 33.4 डिग्री सेल्सियस और अब 34 डिग्री हुआ है 14 मिनट पे, तो इसका मतलब बैटरी तो हमारी सही काम कर रही है और बैक पैनल अभी हल्का सा गर्म हो गया, और जितना मैंने नोटिस किया है गेम में अभी भी लैग नहीं है। अब 16 मिनट पे इस फोन का टेम्परेचर है 37.1 डिग्री सेल्सियस। अब 16 मिनट तक बैक पैनल तो गर्म हो चुका है, बट हल्का सा ही गर्म है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर इशू है, बट ये कहना चाहूंगा कि हीटिंग इश्यूज ना के बराबर है। बट एक बात का ध्यान रखना कि टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से 37 पे पहुंच चुका है, जो कि मेरे हिसाब से माइनर ही है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, बट इतना नहीं है। बाकी मैंने इस टेस्ट को और भी आगे तक बढ़ाया था, मैंने फोन को चार्जिंग पे लगाए रखा था पूरी रात गेम ऑन कर, और तब इसका टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक, बट वो वाली फुटेज गलती से करप्ट हो गई, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा। तो ये था हीट टेस्ट ओप्पो रियलमी 1 का। मेरे हिसाब से ये हीट टेस्ट पास कर चुका है क्योंकि ये इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ था। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि अपना MediaTek P60 बहुत ही कमाल का काम कर रहा है, नहीं होता ये हीट, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप खरीद सकते हो इस फोन को। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में लीड रखते हैं। अगले मिलते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।